एक बात बताओ जी, आप सब बहने माताएं बैठी हैं, आपकी पतिदेव खूब प्रसन्न कब होते हैं? बता सकते हो ये राज, ये रहस्य बता सकते हैं क्या? एकांत में बता देना, कोई बात नहीं, अभी आपको समस्या मुझे पता है। खूब प्रसन्न कब होते हैं? क्या बात है भाई, इतना तो कोई नहीं बताया जितना आपने बता दिया। मैं इतनी की उम्मीद नहीं करता कि आप इतना खराब बोल देंगे। देखो, जैसे स्नान करने के लिए पतिदेव निकले, तौलिया ले लिया कंधे पे, और स्नान करने के लिए बाथरूम में न जाकर बाहर ये चक्कर लगा रहे हैं और कुछ गुनगुनाई जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मन प्रसन्न है कि नहीं? स्नान करने जा रहे हैं, तौलिया ले लिया है और तैयारी है, बाथरूम भी खाली है, लेकिन बाहर ही चक्कर काट रहे हैं और गुनगुनाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, इसका मतलब बाथरूम में गए वहां भी खूब चल रहा है गाना, इसका मतलब खुश है। भोजन करने बैठे और चस्का लेके खा, आह क्या बात, चटनी और लाना, अरे वो दो चार गरम गरम भजिया ले आते, चटकारे लेके खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत खुश है। और आप बहुत चतुर हैं, अपनी डिमांड की लिस्ट उसी समय पकड़ाते हैं, जहां बंदे ने खाने का स्वाद बताना शुरू किया कि बस तुरंत पेश, बजट बिल पेश कर दिया। क्या बात है भाई, मतलब ये ठान रखा है कि बंदे को खुश नहीं देख सकते आप। जब जब बंदा पूरा खुश हुआ कि तुरंत एक झटका तुरंत लगता है, ब्रेक, मतलब किसी ने कहा कि आप अपने पति क्या कहते हैं, बोले हस्बैंड, क्या कहते हैं? हस पर, हंसी पर बैंड लगा दिया, जिसने अपने हंसी पर जिसने बैंड लगा दिया वही तो हस्बैंड है, जिसके हंसी पर आपने अपना बैंड लगा दिया। हंसना मना है यहां सत्संग में, जोर से हंसे कि समझ लो घर जाकर क्या होने वाला,